व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सिनेमा जगत के पितामह वी शांताराम की। राजा राम वानकुंडरे शांताराम का जन्म 18 नवंबर 1901 को कोल्हापुर के एक जैन परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्होंने रेलवे वर्कशॉप में अप्रेंटिस के रूप में काम किया। कुछ अरसे के लिए उन्होंने गंधर्व नाटक कंपनी नामक एक मराठी थिएटर ग्रुप में पर्दा उठाने गिराने यानी कर्टन पुलर का काम भी किया था। कुछ समय बाद वो गंधर्व नाटक मंडली में शामिल हो गए। बाद में वो बाबूराव पेंटर की महाराष्ट्र फिल्म कंपनी से जुड़ गए, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी। वो दौर मूक फिल्मों का था। पहली बार उन्होंने 1921 में फिल्म सुरेखा हरण में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1923 में सिंगड़, 1924 में सती पद्मिनी, 1925 में फिल्म सौकारी पाश में उन्होंने किसान की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा और भी कई मूक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म नेताजी पालकर थी, जो उन्होंने 1927 में बनाई। 1929 में उन्होंने वी जी दामले, केशव राव धाईवर, एम फतेलाल और एस बी कुलकर्णी के साथ मिलकर प्रभात फिल्म कंपनी का गठन किया। शांताराम अपने गुरु बाबूराव पेंटर से काफी प्रभावित थे, इसलिए शुरू में उन्हीं की तरह पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर उन्होंने फिल्में बनाई, जिनमें 1930 की उदयाकाल, रानी साहिबा और खूनी खंजर, 1931 की चंद्र सेना शामिल है। 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा को आभास मिली और अर्देशिर ईरानी की पहली बोलती फिल्म रिलीज हुई आलमारा। अब सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो चुका था। 1932 में प्रभात फिल्म कंपनी भी टॉकी युग में शामिल हो गई। वी शांताराम के निर्देशन में पहली फिल्म बनी अयोध्या राजा मराठी में और अयोध्या का राजा नाम से हिंदी में। ये मराठी सिनेमा की पहली फिल्म थी। ये फिल्म राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर आधारित थी। प्रभात फिल्म कंपनी ने हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में फिल्में बनाई। इनमें से अधिकतर फिल्मों का निर्देशन वी शांताराम ने किया। वी शांताराम ने 1934 में अमृत मंथन फिल्म बनाई। बौद्ध थीम पर आधारित इस फिल्म के दृश्य में एक पुजारी की दाहिनी आँख का क्लोजअप सीन था। इस सीन में सामने घटित हो रही सारी चीजें उसी आँख में दिखाई गयी थी। उस वक्त लोगों के लिए स्क्रीन पर यह बिल्कुल नया अनुभव था। वी शांताराम ने प्रभात फिल्म के लिए मराठी और हिंदी में तीन बेहद शानदार फिल्में बनाई। 1937 में करकू, हिंदी में दुनिया न माने, 1939 में मानुष, हिंदी में आदमी और 1941 में शेजारी, हिंदी में पड़ोसी। मानुष यानी आदमी फिल्म एक पुलिस वाले और वेश्या के संबंधों पर आधारित थी। इस फिल्म में जिस तरह से अंधेरे और छाया का इस्तेमाल फिल्म में फील क्रिएट करने के लिए किया गया है, आज भी दर्शकों को प्रभावित करता है। 1937 की दुनिया न माने फिल्म में वी शांताराम ने एक ऐसे विषय को फिल्म की कहानी बनाया था जो उस वक्त के हिसाब से बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस फिल्म में एक लड़की उम्र में अपने से कई गुना बड़े आदमी के साथ शादी हो जाने के बावजूद शादी निभाने से मना कर देती है। अंततः उस आदमी को उसे अपनी बेटी मानना पड़ता है और उसे शादी खत्म करनी पड़ती है। केवल विषय के चयन में ही नहीं बल्कि फिल्मों के दूसरे विभागों में भी वी शांताराम की फिल्मों में फिल्म के उद्देश्य को बड़ी खूबी के साथ पर्दे पर उतारा जाता। बैकग्राउंड स्कोर हो या गीत संगीत, सभी का चयन वी शांताराम काफी तसल्ली से करते थे। प्रभात कंपनी का मुख्यालय पुणे में था। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे आज उसी स्टूडियो में है। वहाँ उस वक्त की यादों को संजोए रखने वाला एक संग्रहालय भी है। 1942 में वी शांताराम प्रभात कंपनी से अलग हो गए और पुणे छोड़कर मुंबई आ गए। वी शांताराम ने उसी साल राज कमल कला मंदिर की स्थापना की। वी शांताराम के प्रभात फिल्म कंपनी से दूर हो जाने से इस कंपनी की फिल्म निर्माण की गति काफी धीमी पड़ गई थी। फिर भी विष्णुकांत दामले और फतेलाल अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर फिल्मों का निर्माण करते रहे। सन 1944 में राजा नेने के निर्देशन में बनी मराठी फिल्म 10 बजे, हिंदी में 10 बजे, जो एक प्रेम कथा पर आधारित थी, बहुत चर्चित हुई। सन 1946 में पीएल संतोषी ने इस कंपनी के लिए हम एक हैं नामक फिल्म बनाई, जो देवानंद की पहली फिल्म थी।
सन 1953 में प्रभात फिल्म कंपनी अंततः बंद हो गई। राजकमल कला मंदिर के अपने बैनर पर वी शांताराम ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया। यहां से उनका एक नया और शानदार दौर शुरू हुआ जो अगले कई दशकों तक जारी रहा। इस अवधि में उन्होंने कई बेहतरीन क्लासिक फिल्में बनाई। 1946 में मास्टर विनायक के निर्देशन में राजकमल कला मंदिर के लिए जीवन यात्रा नामक फिल्म बनी, जिसमें गायिका लता मंगेशकर ने एक ग्रामीण लड़की की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का एक गीत आओ आजादी के गीत गाते चलें उन दोनों बहुत लोकप्रिय हुआ था। 1947 में बाबूराव पेंटर के साथ मिलकर वी शांताराम ने मराठी में लोक शायर राम जोशी और हिंदी में मतवाला शायर राम जोशी का निर्माण किया था। वी शांताराम ने अपनी कलात्मकता, सामाजिक समस्याओं और भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य कला पर आधारित कथा वस्तुओं पर फिल्म बनाई। ये सभी फिल्में एक से बढ़कर एक सफल और लोकप्रिय हुईं। वी शांताराम की सबसे अधिक प्रतिष्ठित और चर्चित फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी 1945 में आई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका वी शांताराम ने खुद निभाई थी। ये फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के परिदृश्य में एक कर्तव्य पारायण भारतीय डॉक्टर की चीन की युद्ध भूमि में अपनी सेवा प्रदान कर वहीं बस जाने की मर्म स्पर्शी कथा पर आधारित है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले भारतीयों के लिए ये फिल्म बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध हुई। इस फिल्म को अमेरिका और वेनिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित भी किया गया। 1947 में उन्होंने शकुंतला फिल्म बनाई जो कनाडाई राष्ट्रीय प्रदर्शनी में दिखाई गई। वी शांताराम पहले भारतीय निर्देशक थे जिनकी फिल्में डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी और शकुंतला ने भारतीय सिनेमा के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। शास्त्रीय नृत्य और हिंदुस्तान के विभिन्न डांस फॉर्म पर 1955 में उन्होंने झनक झनक पायल बाजे फिल्म बनाई। इस फिल्म ने सिनेमा में कथक नृत्य को लोकप्रिय बनाया। टेक्निकलर फिल्म झनक झनक पायल बाजे मेलोड्रामा थी जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों ने इसके डांस और गानों को काफी पसंद किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। वी शांताराम की सर्वाधिक चर्चित फिल्म दो आंखें बारह हाथ 1957 में प्रदर्शित हुई। ये एक साहसिक जेलर की कहानी है जो 6 कैदियों को सुधारता है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर बियर और सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए सैमुअल गोल्डविन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस फिल्म के लिए वसंत देसाई का संगीतबद्ध प्रार्थना गीत ऐ मालिक तेरे बंदे हम हर दौर में सर्वश्रेष्ठ भक्ति रचना रही है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। कहते हैं जब शांताराम क्लाइमेक्स के लिए सांड के साथ अपनी लड़ाई शूट कर रहे थे तब इतनी बुरी तरह जख्मी हो गए कि उन्हें दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन किस्मत से कुछ वक्त बाद ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई और उन्होंने अपने अंधेरे दिनों से प्रभावित होकर फिल्म बनाई नवरंग। शांताराम कहा करते थे कि आंखों की रोशनी खो जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे रंग देखे जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। इसी वजह से उन्होंने नवरंग को बेहद रंगीन और भड़कीला बनाया। 1959 में आई फिल्म नवरंग भी उनकी बेहद कामयाब फिल्म रही। उनकी कुछ अन्य फिल्में भी काफी चर्चित रहीं, जिनमें सुबह का तारा, जीवन यात्रा, स्त्री, सेहरा, गीत गाया पत्थरों ने, बूंद जो बन गई मोती, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली प्रमुख हैं। वी शांताराम की आखिरी महत्वपूर्ण फिल्म थी 1972 की पिंजरा। ये फिल्म जोसेफ स्टर्नबर्ग की 1930 में प्रदर्शित हुई क्लासिक फिल्म द ब्लू एंजल पर आधारित थी। इसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्में बनाई लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। 1985 में झांझर उनकी आखिरी फिल्म थी। वी शांताराम एक सुलझे हुए निर्माता के साथ साथ सशक्त निर्देशक और अभिनेता थे। उनकी फिल्में अपने कलात्मक सौंदर्य के लिए विशेष रूप से पहचानी गईं और पसंद की गईं। वी शांताराम ने करीब 6 दशक तक हिंदी और मराठी भाषा में सामाजिक और उद्देश्य परक फिल्में बनाई और समाज में चली आ रही कुरीतियों पर प्रहार किया। उनकी फिल्में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश देने वाली होती थी। वी शांताराम ने
अपनी फिल्मों में तकनीक की ओर विशेष ध्यान दिया। नृत्य, संवाद, कथानक, संगीत के अलावा तकनीक हमेशा उनकी फिल्मों का सबल पक्ष रहा। उन्होंने फिल्मों में पहली बार मूविंग शॉट्स और ट्रॉली का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपनी फिल्मों में मनोरंजन पक्ष से कोई समझौता किए बगैर प्रयोग किए, जिनके कारण उनकी फिल्में न केवल आम दर्शकों में बल्कि कला समीक्षकों में भी काफी लोकप्रिय हुई। शांताराम ने हिंदी फिल्मों में मूविंग शॉट का प्रयोग सबसे पहले किया। उन्होंने बच्चों के लिए 1930 में रानी साहिबा फिल्म बनाई। यह भारतीय फिल्म इतिहास की पहली बाल फिल्म थी। वी शांताराम ने 1931 की फिल्म चंद्रसेना की शूटिंग में ट्रॉली कैमरे का प्रयोग किया था। यह प्रयोग भारत में पहली बार हुआ था। इसे साइकिल के पहियों और लकड़ी के तख्तों से जोड़कर बनाया गया था। भारत की पहली कलर फिल्म 1933 में वी शांताराम ने ही बनाई थी, लेकिन सैरंधरी नाम की इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसके कलर चले गए, जिसके चलते किसान कन्या भारत की पहली कलर फिल्म बन गई। 1934 में अपनी फिल्म अमृत मंथन में उन्होंने बैक प्रोजेक्शन का प्रयोग किया था। उन्होंने पहली बार टेलीफोटो लेंस का प्रयोग किया, जिससे बार बार कैमरे की जगह बदलने की जरूरत कम हुई। भारत में एनिमेशन का इस्तेमाल करने वाले वो पहले फिल्मकार थे। 1935 में प्रदर्शित हुई फिल्म जम्बू काका में उन्होंने एनिमेशन का इस्तेमाल किया था। गीत और संगीत शांताराम की फिल्मों का एक मजबूत पक्ष होता था। एक फिल्मकार के रूप में वो अपनी फिल्मों के संगीत पर विशेष ध्यान देते और उनका जोर इस बात पर रहता कि गानों के बोल आसान और गुनगुनाने योग्य हों। वी शांताराम की फिल्मों में रंगमंच का पुट जरूर नजर आता था। वो अपनी फिल्मों में समाज को एक नई दृष्टि देने में कामयाब रहे। हर फिल्म अपने वक्त की कहानी बयान करती है। वी शांताराम ने अपने जीवन के करीब 50 साल भारतीय सिनेमा को दिए। वी शांताराम एक चलते फिरते संस्थान थे, जिन्होंने फिल्म जगत में बहुत सम्मान हासिल किया। अन्ना साहब के नाम से मशहूर वी शांताराम को वर्ष 1985 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया। फिल्मों के निर्माण के अलावा वी शांताराम 1970 के दशक में कुछ समय बाल फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। फिल्म जगत में अमूल्य योगदान करने वाले वी शांताराम का 30 अक्टूबर 1990 को मुंबई में निधन हो गया। व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट।